स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले इन सारे एमसीक्यूज को आप जरूर देखकर जाएं, इसमें से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। द एरिया ऑफ साइकोलॉजी, ये क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है, एनिमल बिहेवियर है, कि बोथ ऑफ दी, कि नन ऑफ दीज है? तो जो एरिया होता है साइकोलॉजी का, ये क्या होता है? दैट इज बोथ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर दोनों। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो कंट्रीब्यूशन होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, वो कंटेंट सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, कि ऑब्जेक्टेड और सेंटर्ड होता है? तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंट्रीब्यूशन पूछे, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड होता है। क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड, इसलिए बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, द फैक्टर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजीज, एजुकेशनल सिचुएशन, स्टूडेंट्स का बिहेवियर, की नन ऑफ दीज, की बोथ दी अबव। तो जो फैक्टर होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजीज के, वो कौन कौन से होते हैं? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बोथ होते हैं, एजुकेशनल सिचुएशंस एंड स्टूडेंट्स का बिहेवियर, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो क्या होता है? टीचर, स्टूडेंट, क्यूरिकुलम, की ऑल ऑफ दी अबव। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो कंटेंट होता है, वो टीचर भी, स्टूडेंट भी, और पाठ्यक्रम भी, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज फोर्थ का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द एरिया ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एजुकेशनल सिचुएशंस, स्टूडेंट का बिहेवियर, की ऑल ऑफ द अबव। तो जो एरिया होता है स्टडी करने का एजुकेशनल साइकोलॉजी का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्टूडेंट का बिहेवियर, एजुकेशनल सिचुएशन, इसलिए सी डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, जो मेथड होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, कौन कौन से होते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड, की ऑल ऑफ दी। तो मेथड जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के, ये तीनों होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है, जो बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं एजुकेशन से, वो किसके द्वारा आंसर्ड किए जाते हैं? फिलोसफी के द्वारा, साइकोलॉजी या टेक्नोलॉजी के द्वारा, सोशोलॉजी या सोशल साइंस के द्वारा? तो जो बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं एजुकेशन से, दैट आर आंसर्ड बाय, दैट इज सेवेंथ का डी हो जाएगा सारे ऑल ऑफ दीज से। नेक्स्ट है, द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर मेनली रिलेटेड टू इकोनॉमिक लेवल, मेंटल लेवल, अचीवमेंट लेवल, की सोशल स्टेटस। तो जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, वो मेनली किससे रिलेटेड होते हैं या संबंधित होते हैं? तो दैट इज एट का हो जाएगा आपका सी, मेंटल लेवल। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट है आईक्यू का, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का, जो किसने दिया है? टर्मन ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, के बेनेट ने? तो जो कॉन्सेप्ट है आईक्यू का, वो किसने दिया है? दैट इज गिवन बाय बेनेट, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, वो क्या होते हैं? क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, हाई आईक्यू चिल्ड्रन होते हैं, कि ऑल ऑफ द अबव? तो जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, वो क्या होते हैं? दैट इज टेंथ का हो जाएगा डी, वो क्रिएटिव चिल्ड्रन भी होते हैं, हायर आईक्यू उनका लेवल होता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन भी होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कंपोनेंट होते हैं क्रिएटिविटी के, वो क्या? फ्लुएंसी होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, एमआर चिल्ड्रन होते हैं, कि डी ऑल ऑफ द अबव? तो जो कंपोनेंट एक क्रिएटिविटी के होते हैं, दैट इज 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द एरिया ऑफ प्रॉब्लम ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, की ऑल ऑफ द अबव? जो एरिया होते हैं प्रॉब्लम ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के, दैट इज 12 का आंसर हो जाएगा आपका, दैट इज डी, ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन रिक्वायर एजुकेशनल प्रोविजंस, स्पेशल क्यूरिकुलम, स्पेशल स्कूल, स्पेशल ट्रेन, की ऑल ऑफ दी अबव? तो जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, उनको एजुकेशनल प्रोविजन चाहिए रहते हैं, तो 13 का आंसर हो जाएगा, दैट इज रे ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के, वो क्या होते हैं? हाई कॉम्प्रिहेंशन, रिच वोकेबुलरी, ओरिजिनल थिंकिंग, की ऑल ऑफ दी अबव? तो इसमें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 का आपका डी। नेक्स्ट है, द डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, द डेवलपमेंट जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? ग्रोथ से, मेच्योरिटी से, एज से, कि ऑल ऑफ द अबव से? तो जो डेवलपमेंट है, दैट इज रिलेटेड टू द, किससे रिलेटेड है? सारे से, ग्रोथ से, एज से, मेच्योरिटी से, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज, मेच्योरिटी, की एक्सरसाइज? तो लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस थ्रू, तो इसका आ जाएगा सेकेंड का आंसर हो जाएगा, इट इज डी, एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, लर्निंग प्रोसेस
को रिक्वायर्ड लर्निंग प्रोसेस में क्या जरूरी है, एक्सपीरियंस मोटिवेशन एक्टिविटीज की ऑल ऑफ द अबव। तो लर्निंग प्रोसेस में हमें क्या जरूरी है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज। नेक्स्ट है द मैच्योरिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मैच्योरिटी किसके द्वारा प्रभावित होता है, हेरिडिटी रेसेस एज की ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का स्टेज कितना होता है, चाइल्डहुड इन्फेंसी एडोलसेंस की ऑल ऑफ द अबव। तो स्टेज डेवलपमेंट का पूछा है, तो इसमें से सारे के सारे जो होते हैं आपके क्या होते हैं, सारे स्टेजेस होते हैं किसके, डेवलपमेंट के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स है, जो इमोशंस बेस्ड होते हैं किसके डेवलपमेंट पे, सोशल फिजिकल मेंटल की ऑल ऑफ द अबव। तो जो इमोशंस बेस्ड होते हैं ऑन द डेवलपमेंट ऑफ किसके, सोशल फिजिकल मेंटल तीनों, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है द मैच्योरिटी किससे रिलेटेड होता है, मेंटल डेवलपमेंट से, सोशल डेवलपमेंट से, फिजिकल डेवलपमेंट से कि ऑल ऑफ द अबव। तो मैच्योरिटी जो रिलेटेड होता है ये सारे से रिलेटेड होता है, इसलिए सेवन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है एडोलसेंस में, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट की ऑल ऑफ द अबव। तो जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है एडोलसेंस में, दैट इज योर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड होता है, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट की इमोशनल डेवलपमेंट। तो एडजस्टमेंट जो होता है दैट इज रिलेटेड टू द आपका किससे होता है, सोशल डेवलपमेंट से। नेक्स्ट है टेंथ है द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ एडजस्टमेंट डेवलपमेंट इमोशंस की ग्रोथ। जो फीलिंग होती है हैप्पीनेस की वो किसका रिजल्ट होता है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ इमोशंस। नेक्स्ट है फिजिकल ग्रोथ किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर के द्वारा, फिजिकल साइज के द्वारा, बोथ ऑफ दी कि नन ऑफ दीज। तो फिजिकल ग्रोथ की बात किया है, दैट इज इंडिकेटेड बाई फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द फिजिकल साइज, इसलिए 11 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फिजिकल ग्रोथ किस चीज के फॉर्म में होता है, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ की नन ऑफ दीज। तो फिजिकल ग्रोथ जो होता है इज इन द फॉर्म ऑफ डी, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग वो क्या होता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ नॉलेज, सोशल एडजस्टमेंट की ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है काउंसलिंग का वो क्या होता है, इसमें से सेल्फ नॉलेज भी होता है, एडजस्टमेंट भी होता है और एक्सेप्टेंस भी होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द फैक्टर ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे काउंसलिंग के प्रोसेस होते हैं, काउंसलिंग प्रॉब्लम्स, काउंसलर की ऑल ऑफ द अबव। तो द फैक्टर होते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के, डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट द अप्रोच ऑफ काउंसलिंग वो क्या होते हैं, डायरेक्टिव होते हैं, नॉन डायरेक्टिव होते हैं, कि इलेक्टिव होते हैं, कि सारे होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो जो अप्रोच होते हैं काउंसलिंग के वो डायरेक्टिव भी होते हैं, इलेक्टिव भी होते हैं, नॉन डायरेक्टिव, इसलिए डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट द एरिया ऑफ एडोलसेंस प्रॉब्लम्स वो क्या होते हैं, सोशल होते हैं, इमोशनल होते हैं, बोथ द अबव की ऑल ऑफ द अबव। तो जो एरिया एडोलसेंस प्रॉब्लम के वो क्या होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है प्रॉब्लम्स जो एडोलसेंस क्या रिक्वायर करता है, इंडिविजुअल गाइडेंस, सोशल गाइडेंस, बोथ दी अबव की नन ऑफ दिस। तो प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस रिक्वायर क्या, इंडिविजुअल गाइडेंस एंड सोशल गाइडेंस, इसलिए 17 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर सी। नेक्स्ट है थॉर्डाइन लर्निंग थ्योरी को हम क्या कहते हैं, ट्राई एंड एरर थ्योरी, SR थ्योरी, कनेक्शन थ्योरी की ऑल ऑफ द अबव। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थॉर्डाइन की लर्निंग थ्योरी को किस किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, SR थ्योरी और कनेक्शन थ्योरी तीनों के नाम से जाना जाता है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द मेन लॉ जो थॉर्डाइन की लर्निंग थ्योरी की है वो कौन कौन सी है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट्स की लॉ ऑफ दिस। तो देखिए जो मेन लॉ है थॉर्डाइन के लर्निंग थ्योरी की, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी है, लॉ ऑफ इफेक्ट्स है, लॉ ऑफ रीडनेस है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी को किस और नाम से जाना जाता है, SR थ्योरी से, RS थ्योरी से, बोथ दीज की नन ऑफ दीज। तो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी को किस और नाम से जाना जाता है, RS थ्योरी के नाम से जाना जाता है, बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम सिचुएशन इज गिवन द थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो प्रॉब्लम सिचुएशन होती है, जो लर्निंग के द्वारा जो थ्योरी दी गई है वो थॉर्नडाइक के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा, कोहलर के द्वारा, कि पैवलियो के द्वारा। तो दैट इज गिवन बाय द सी, कोहलर के द्वारा। नेक्स्ट है BF स्किनर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग, कैट, बोथ द अबव की नन ऑफ दीज। BF स्किनर ने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो दैट इज डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है द नीड एजुकेशन थ्योरी और रीफोर्समेंट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, मैस्कुलो के द्वारा,
कोहलर के द्वारा, कुर्ट हिलियन के द्वारा, से एल ह्यूल के द्वारा। तो जो नीड रिडक्शन थ्योरी है रिस्पोर्समेंट थ्योरी का, ये किसने दिया है, दैट इज गिवन बाई सी सी एल हेल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट एन एक्सपेरिमेंट डॉक वॉज कंडक्टेड बाई डॉक वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस ऑथर राइटर ने किया था, बी एफ स्कैनर कोहलर थॉर्नडाइक की पैड में, दैट इज गिवन बाई कंडक्टेड बाई थॉर्नडाइक। नेक्स्ट बिहेवियरिस्ट थ्योरी लर्निंग किसके द्वारा दी गई है, थॉर्नडाइक के द्वारा, पैवले के द्वारा, बी एफ स्कैनर के द्वारा, की अवलब्धि अब तो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जो लर्निंग की दी गई है ये दैट इज पैवले के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, बी एफ स्कैनर, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है मेंटल प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व करता है लर्निंग थ्योरी ऑफ पैवले, स्कीनर, कोहलर की, थॉर्नडाइक। तो मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द लर्निंग थ्योरी ऑफ किस, बी कोहलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड ऑन चाइल्ड बाई कोहलर, स्कीनर, हुल की, पैवले। तो जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है एक चाइल्ड के द्वारा दैट इज सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, रॉगर के द्वारा, हुल के द्वारा, कोहलर के द्वारा, कि स्कीनर के द्वारा। इनसाइट जो लर्निंग थ्योरी जो दी गई है दैट इज गिवन बाई कोहलर के द्वारा दी गई, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बिहेवियर इंडिकेशंस किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा, रॉगर के द्वारा, स्कीनर, कोहलर की। तो बिहेवियर इंडिकेशंस आर यूज्ड बाय द डी कोहलर के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है रीफोर्समेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, कोहलर के द्वारा, स्कीनर के द्वारा, हुल के द्वारा, की पैबलो के द्वारा। तो री इन्फोर्समेंट थ्योरी जो दी गई है दैट इज गिवन बाई हुल, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेस किसके द्वारा दिया गया है, बी एफ स्कीनर, रॉगर, टॉलमैन की, कोहलर के द्वारा। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया, दैट इज रॉगर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है हुल हैज इम्पाइजेस द वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट इंटरव्यूइंग डिपेंडेंट की ऑल ऑफ द अबव। तो हुल हैज इम्पाइज द वेरिएबल इनटू ऑल ऑफ द अबव, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरव्यूइंग, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द एक्यूरेसी ऑफ रिस्पॉन्स इन रिपीटेशन इज इम्पैसिस्ड बाई कोर्ट लेवन, कोहलर, बी एफ स्कैनर की, थॉर्नडाइक। जो एक्यूरेसी होती है रिस्पॉन्स की इन रिपीटेशन वो किसके द्वारा, दैट इज कोहलर के द्वारा। थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्या है, थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ लर्निंग है। द लॉ ऑफ इफेक्ट किसके द्वारा यूज किया गया है, कोहलर के द्वारा, हुल के द्वारा, रॉगर के द्वारा, नन ऑफ दीज। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग किससे रिलेटेड है, लर्नर, टीचर, कंटेंट की, अलौती हो। तो जो फैक्टर्स लर्निंग का अफेक्ट करते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, टीचर से, कंटेंट से और लर्नर से, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है द फेज ऑफ टीचिंग इंटरएक्टिव, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव की, ऑल ऑफ दी अबव। जो फेज होते हैं टीचिंग के वो क्या होते हैं, डेट इज इंटरएक्टिव भी होते हैं, पोस्ट एक्टिव भी, प्री एक्टिविटी, इसलिए डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। एक्सपेक्ट एजुकेशन के क्या क्या होते हैं, टीचिंग, लर्निंग, क्यूरिकुलम की, ऑल ऑफ दी अबव। जो एक्सपेक्ट टीच एजुकेशन के वो क्या होते हैं, सारे के सारे होते हैं, क्यूरिकुलम भी आते हैं, लर्निंग भी और टीचिंग भी। नेक्स्ट है एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, लर्नर, स्टूडेंट, एजुकेशनल सिचुएशन की, ऑल ऑफ दी अबव। तो एस्पेक्ट पूछा एजुकेशनल साइकोलॉजी को, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है द फैक्टर्स रिलेटेड टू द टीचर, जो फैक्टर्स टीचर को रिलेट करते हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड, मास्टरी ऑफ कंटेंट, टीचिंग स्किल्स की, ऑल ऑफ दी अबव। तो दैट इज द फैक्टर जो रिलेटेड करते हैं किससे, टीचर से। तो इसमें से सारे हो जाएंगे टीचिंग स्किल्स, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मास्टरी ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ लर्निंग क्या है, 5 है, 6 है, 8 है कि 7। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग कितने हैं, 5 ये हैं। नेक्स्ट है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है, रॉबर्ट मैगर के द्वारा, रॉबर्ट गैंग के द्वारा, आई के डेविस के द्वारा, कि थॉमस एफ ग्रीन के द्वारा। तो जो कंडीशंस दिए गए हैं लर्निंग के दैट इज डेवलप्ड बाय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट गैंग के द्वारा। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव फेज जो टीचिंग का क्या इन्वॉल्व करता है, वर्बल इंटरेक्शन, नॉन वर्बल, बोथ की, नॉन ऑफ दीज। तो इंटरेक्टिव फेज ऑफ जो टीचिंग क्या इन्वॉल्व करता है, वर्बल इंटरेक्शन भी और नॉन वर्बल इंटरेक्शन दोनों, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, द सिम्टम्स ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ क्या होता है, लैक ऑफ फ्लोरेंस पावर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, ए प्लस बी की, नॉन ऑफ ऑल। तो पुअर मेंटल हेल्थ का क्या होता है, दैट इज लैक ऑफ फ्लोरेंस पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पर्सनैलिटी क्या होता है, कैरेक्टर एडजस्टमेंट की, ऑल ऑफ दी। तो बेस्ट इंडिकेटर पर्सनैलिटी का पूछा, दैट इज
करेक्ट। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ इद ईगो और सुपर ईगो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है किसके द्वारा, आरबी कैटल के द्वारा, मैस्कुले के द्वारा, एल्पॉट के द्वारा कि फ्रेड के द्वारा। तो मैस्कुले ने जो है अपनी थ्योरी नीड्स पर दी थी, एल्पॉट ने अपनी इस पे की पर्सनालिटी पे दी थी कि किसी को हम कैसे जज कर सकते, जिसमें कार्डिनल और सेकेंडरी ये तीन चीज़ों की बात की गई थी। फ्रेड ने साइमन फ्रेड में ये दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें इद ईगो और सुपर ईगो कॉन्स माइंड की बात की गई थी। नेक्स्ट है हेरिकल नीड थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, अभी जस्ट मैंने बताया है जनरल मैस्कुलो आइसने की फ्रॉड, तो ये थ्योरी किसके दी गई है, मैस्कुलो, जिन्होंने पांच नीड्स की बात की है। ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसके द्वारा डेवलप्ड की गई, एल्पॉट, कैटल, फ्रूड के, मैस्कुलो, तो ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी गई है, दैट इज एल्पॉट के द्वारा दी गई है। ठीक है, द हाइएस्ट नीड ऑफ मैस्कुलो थ्योरी कौन सी है, बिलोंगनेस, स्टीम, नीड्स की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, नन ऑफ ऑल ऑफ दीज। तो हाइएस्ट नीड पूछा मैस्कुलो थ्योरी की क्या होती है, दैट इज बी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, जिसमें पांच नीड्स आपकी होती हैं। मेजर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी को क्या कहते हैं, इद ईगो, नन ऑफ दी की सुपर ईगो, तो यहाँ पर दैट इज सी हो जाएगा, इद जो मेजर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है। ए पर्सन लिव्स इन द एनवायरनमेंट ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल की ऑल ऑफ दिस, तो ए पर्सन लिव्स इन द एनवायरनमेंट ऑफ दैट इज सोशल, डी ऑप्शन हो जाएगा, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पर्सनैलिटी मेजरमेंट इम्प्लॉयज द इन्वेंटरीज रेटिंग टेस्ट की ऑल ऑफ दिस, तो पर्सनैलिटी मेजरमेंट इम्प्लॉयज द ऑल ऑफ दिस, टेस्ट हो, इन्वेंटरीज है, रेटिंग तीनों। मेन टेस्ट जो पर्सनैलिटी का होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं, नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं, बोथ दी कि नॉन ऑफ दीज, तो जो मेन टेस्ट होता है पर्सनैलिटी को उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट। मेन एस्पेक्ट पर्सनैलिटी का कंसिडर्ड कब किया जाता है, इंटरेस्ट एंड नीड्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज की ऑल ऑफ दी, तो जो मेन एस्पेक्ट होते हैं पर्सनैलिटी का, दैट इज कंसिडर्ड एज एटीट्यूड, इंटरेस्ट, नीड्स एंड वैल्यूज, इसलिए डी ऑप्शन सही। पर्सनैलिटी मेजरमेंट को रिक्वायर्ड होता है कब, पर्सनल गाइडेंस के लिए, वोकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस की ऑल ऑफ दी अबव, तो पर्सनैलिटी मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड इन द ऑल ऑफ दी अबव, वोकेशनल, एजुकेशनल एंड पर्सनल। नेक्स्ट है मुर्रे एंड मॉर्गन हैव डिजाइंड एज अ इंक ब्लॉक टेस्ट टेट, बोथ दी अबव की नन ऑफ दीज, तो मुर्रे एंड मॉर्गन ने क्या डिजाइन किया, दैट इज टेट थेमेंटिक ओपरेंसिस टेस्ट। नेक्स्ट है द मेन मेथड पर्सनालिटी को हम क्या कहते हैं, केस स्टडी मेथड, साइको एनालिसिस मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड की ऑल ऑफ दी अबव, जो मेन मेथड होता पर्सनालिटी को हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज साइको एनालिसिस मेथड, बी ऑप्शन सही। जो नीड होती है पर्सनालिटी की वो किसके द्वारा एम्फेसिस्ड होती है, फ्रेड के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा, एडवर्ड के द्वारा, एल्पॉट के, दैट इज सी ऑप्शन, एडवर्ड। नेक्स्ट है Who classified personality into psychological types? C.G. Jung, W.H. Sheldon, K. Schermer, Pilgon and Gillen. तो किसने क्लासीफाई किया पर्सनैलिटी इंटू साइकोलॉजिकल टाइप्स में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, C.G. Jung. Who distinguishes id, ego, super ego in personality? अभी जस्ट मैंने बताया साइगमंड फ्रॉयड के द्वारा, G.S. Jung के द्वारा, अल्फ्रेड एडल की, कैरन हॉर्न ने, तो id, ego और सुपर ईगो की इस पर्सनैलिटी की बात किसने की है, साइगमंड फ्रॉयड ने। नेक्स्ट हु राइट द बुक पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ये बुक किसने लिखी है, गॉडसन, एल्पॉट, साइगमंड फ्रेड, सी जी जैंग की, एल्फ्रेड एडल्ट, तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, गॉडसन एल्पॉट के द्वारा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, साइकोफिजिकल की नॉन ऑफ दीज, तो स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी की क्या होती है, दैट इज सी, साइकोफिजिकल। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट डिस्टर्ब्ड स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन्फेंसी, एडोलसेंस, चाइल्डहुड की, एडल्ट, तो मोस्ट डिस्टर्ब एज पूछा है यहाँ पर, तो दैट इज एडोलसेंस। नेक्स्ट है विच इज द ओल्डेस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी, ट्रेट अप्रोच, लाइफ स्पैन अप्रोच, टाइप अप्रोच की, डायमेंशनल अप्रोच, तो इसमें से कौन सा है सबसे पुराना अप्रोच पूछा है, तो दैट इज सी, ट्रेट टाइप अप्रोच। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, बायोलॉजिकल रिक्रूटमेंट में सारे हैं किसको किसको छोड़ के, साइकोलॉजिकल, नर्वस सिस्टम, बॉडी केमिस्ट्री की, मेंटल एबिलिटीज, दैट इज डी, मेंटल एबिलिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डू नॉट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एंड्रल ग्लैंड की, फाइनल ग्लैंड, तो इसमें से कौन से ग्लैंड जिसने इन्फ्लुएंस नहीं किया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, दैट इज स्पाइनल ग्लैंड, डी ऑप्शन सही। सोशल डिटरमिनेंट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा है,
फैमिली रिलेशनशिप्स, नेबरहुड, बर्थ ऑर्डर के पीपल्स का बिहेवियर. तो सोशल डिटर्मेंट्स क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीपल का बिहेवियर. नेक्स्ट है स्टडीज ऑन कल्चर डिटर्मेंट्स किसके द्वारा मेड है, मीट के द्वारा, मुर्रे के द्वारा, एल्पोर्ट के द्वारा, कैटल के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मीट. नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक टूल नहीं है पर्सनैलिटी असेसमेंट का, प्रोजेक्टिव टेस्ट, नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट, ऑब्जर्वेशनल मैथड्स, दी इंटरेक्शन मैथड्स. तो कौन सा एक टूल नहीं है पर्सनैलिटी असेसमेंट का, दैट इज दी इंटरेक्शन मैथड्स. नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इंटू पाइनिक, एसथिक, एथेटिक एंड डायलस प्लास्टिक टाइप्स वॉज डन बाई शेल्डन क्रेस्टमेकर, डेंसिक की हाइपोथेसिस, दैट इज बी क्रेस्टमेकर. नेक्स्ट है सोमोटो टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्लासीफाइंग इंडिविजुअल इंटू एडमॉम, मेसोफ, इक्ट्रोमॉफ की प्रपोज किसके द्वारा किया है, शेल्डन, हेपोट्रेमिस, आइसनेक, क्रेस्टर के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, शेल्डन के द्वारा. जंग क्लासीफाइड पीपल इंटू, इन्होंने पीपल कितने में क्लासीफाई किया था, कितने, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट की, ऑल ऑफ दीज, तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है टोपोग्राफिकल मॉडल पर्सनैलिटी में क्या इंक्लूड होते हैं, एक्सेप्ट कॉन्सियस लेवल, अनकॉन्सियस लेवल, सब कॉन्सियस की सुपर कॉन्सियस लेवल. तो देखिए तीन तरह की बात की गई है माइंड में, कॉन्सियस लेवल, सब कॉन्सियस, अनकॉन्सियस, लेकिन सुपर कॉन्सियस लेवल की बात, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज सी. नेक्स्ट है डायनेमिक या स्ट्रक्चरल मॉडल पर्सनैलिटी का, सारे इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट इद, ईगो, सुपर ईगो की, आइडल सेल्फ. तो पर्सनैलिटी में तीन चीज़ की साइगमंड फ्रॉड ने बात की है, एक इद की, एक ईगो की और सुपर ईगो की, आइडियल सेल्फ की बात नहीं की गई है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जंग ऑल द फॉलोइंग आर साइको पर्सनैलिटीज एक्सेप्ट कॉन्सियसनेस, अनकॉन्सियसनेस, सब कॉन्सियस की एटीट्यूड्स. तो देखिए साइमन फ्रॉड ने पर्सनैलिटी और यहाँ माइंड को तीन भागों में बांटा है, कॉन्सियसनेस, सब कॉन्सियस एंड अनकॉन्सियस. तो एटीट्यूड की इसमें कोई बात नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा एक पर्सन डज नॉट हैव ए कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स हैज हिम, फ्रेड के द्वारा, एल्डर के द्वारा, जंग के द्वारा, की हॉर्नी के द्वारा. तो ये किसने कहा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल कॉन्सेप्ट जंग का क्या है, पर्सनल कॉन्सियसनेस, ड्रीम एनालिसिस, कलेक्टिव अनकॉन्सियस की, ईगो. तो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल कॉन्सेप्ट जो है, दैट इज सी, कलेक्टिव अनकॉन्सियसनेस. जंक यूज द बिग ड्रीम, इट का, इसका मतलब क्या है, कलेक्टिव अनकॉन्सियसनेस, आर्किटाइप्स, ड्रीम्स विच आर प्रीकर्सर्स ऑफ फ्यूचर इवेंट्स की अनकॉन्सियसनेस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ड्रीम्स जो कि क्या है, प्रीकर्स हैं फ्यूचर इवेंट्स के. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्किटाइप और लिस्टेड बाई जंक, पर्सोना, शेडो, सेल्फ की, माइंड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, माइंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन इन द पर्सोना इज द, ठीक है, बेसिक कोर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ किसी है, रोल ऑफ द इंडिविजुअल प्लेज इन लाइफ किस डी, सेल्फ इमेज. तो पर्सोना इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल प्लेज इन द लाइफ, दैट इज सी, ठीक है, पर्सनैलिटी. ईगो इज डिस्क्राइब्ड एज अ आइडियल प्रिंसिपल, नेचुरल प्रिंसिपल की, रियलिटी प्रिंसिपल की, प्लेजर प्रिंसिपल. मतलब ईगो जो होता है, जो सोशली एक्सेप्टेबल होता है, जो कि एक रियलिटी होती है, ठीक है, रियलिटी पे बेस्ड होती है. Which is not an instinct conceived by Freud, life instinct, libido, thanto ki eros, so that is B, C, libido. Next है, the exponent of the concept IQ किसके द्वारा दिया गया है, Thurston के द्वारा, Guilford के द्वारा, Binet के द्वारा, की Spearman के द्वारा. तो ये IQ का concept किसने दिया, that is Binet, C option सही. The main type of intelligence test क्या है, verbal test, non-verbal test, performance test, all of the जो main type इंटेलिजेंट टेस्ट के कौन से होते हैं, दैट इज डी, सारे के सारे होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, J.B. गिलफोर्ड, G.L. क्रॉम्बिच, L.H. थर्स्टन की, C.M. भाटिया. तो ये दिया गया है PMA का कॉन्सेप्ट, दैट इज गिवन बाई C.L.L. थर्स्टन. नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ मेंटल इंटेलेक्ट इज गिवन बाई स्पीयरमैन, टॉरेंस, गिलफोर्ड की, थर्स्टन. जो स्ट्रक्चर मेंटल इंटेलेक्ट का दिया गया है, दैट इज गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है. बाई फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा डेवलप किया गया है, बिनेट के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, साइमन की, पीई वेरमैन के द्वारा. तो बाई फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज गिवन बाई सी, स्पीयरमैन के द्वारा. IQ is computed by using mental age, chronological age, both the above की, none of these. तो IQ को हम compute करते हैं by using the C, mental age और chronological age को
नेक्स्ट है क्वेश्चन, परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडिया किसके द्वारा डेवलप किया गया है? बैक्यूर मेहंदी, सीएम भाटिया, सोहरलाल की जलोटिया। तो परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो डेवलप किया गया है दैट इज सीएम भाटिया, बी ऑप्शन सही। गिलफोर्ड ने अपनी मेंटल एबिलिटीज में कितनी एबिलिटीज की बात की गई है? 24 एबिलिटीज, 120, 36 की 7, तो ये दी गई है दैट इज सी 120 एबिलिटीज। नेक्स्ट है वी रेशियो ई डी एंड के रेशियो एम फैक्टर्स किसने दिया है? जी एम कॉर्नबॉक, थॉर्डाइक, स्पीयरमैन की पी ई वर्मन, तो ये दिया गया है किसके द्वारा? पी ई वर्मन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पीयरमैन ने कितने फैक्टर्स दिए हैं? जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, बोथ दी की नन ऑफ दीज। तो स्पीयरमैन ने कितने फैक्टर्स दिए हैं दैट इज जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है Who presented the two factor theory of intelligence? किसने दो फैक्टर ऑफ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया है? सी स्पीयरमैन, सी एल थर्स्टन, ए आर जेंसन की जीएल जेपी फ्रॉड, तो ये दिया गया है दैट इज स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसने पी एम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रेजेंट किया है? सी स्पीयरमैन, सी एल थर्स्टन, जी एल गफोर्ड की ए आर थर्स्टन, दैट इज गिवन बाई ऑप्शन नंबर बी सी एल थर्स्टन। किसने एसआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस प्रेजेंट किया है? सी स्पीयरमैन, सी एल थर्स्टन, ए आर जेशन की जी एल जीपी फ्रॉड, दैट इज जीपी गेलफोर्ड के द्वारा, ठीक। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स आपके 100+ एमसीक्यूज थे इस सीरीज में, जो आपके कंप्लीट चैप्टर वाइज और कंप्लीट एमसीक्यूज मैंने इसमें, और आपके क्वेश्चंस आपके इसी में से आने हैं। तो आप एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को जरूर देखकर